अच्छा हाँ, डिनर और करता मैं, अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत अच्छा डिनर बनेगा हमारा। चोरी करते पकड़ी जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय। तो आप गैस कीजिए हम कहाँ घूम रहे हैं, नेचर के टच में और खाली खाली मैदान, कोई खेल का मैदान नहीं है, लेकिन कविता मैम दिखाएं इनको कहाँ। हाँ, हाँ बिल्कुल, देखिए आप कहाँ पर हैं आज। आज आपकी बायो टीचर और हिंदी टीचर आए हैं खेतों में, कोई पहचान सकता है ये किसका खेत है? ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, दैट इज मस्टर्ड। आप खाते हैं ना ऑयल? वेरी गुड, नेचुरल ऑयल। तो इसका आपको क्या बोलते हैं, बायो टर्म का नाम बता दिया। बोटानिकल नेम इज ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, दैट इज मस्टर्ड। मैं आपको दिखाती हूँ बैक से, देखिए फ्लावरिंग हो रही है अच्छी, कितने सुंदर देखो फ्लावर्स भी हैं। तो सर्दियों में सरसों की सब्जी हम सोच रहे थे तोड़ेंगे, बट हिम्मत नहीं। सरसों का साग खाने का बहुत मन कर रहा है और हम लोग इस फिराक में कि कहीं से हमें रास्ता मिले और हम घुसें और तोड़ कर लाएं। देखते हैं, अगर हमें मौका मिला तो हम इसको तोड़ेंगे और आपको तोड़ते हुए दिखाएंगे। लेकिन आप ये देख सकते हो, अपार्टमेंट्स के अंदर बंद रहकर हमें प्रकृति की खूबसूरती पता नहीं चलती। और ये आगे देखो, ये पूरा गेहूं का पैदावार भी हो रही है, गेहूं की प्लांटेशन किया हुआ है। अभी फिर इसको कुछ ही दिनों में ये गेहूं की बालियां निकलेंगी इसमें। कविता मैम यहाँ से जा सकते हैं? देखो कविता मैम जा रही हैं, अब हम तोड़ेंगे सरसों। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी अच्छी सरसों हो रही होगी, तो हमने कुछ कैरी करने के लिए, हाँ हम लोग कोई बैग लेकर आते तो हम आएंगे एक दो दिन के अंदर फिर आएंगे। कहो तो हम इधर देखो, ये भी सरसों, इतने बड़े बड़े पत्ते। हाँ, ये भी सरसों है। वाओ, मैं तो इसका फ्लावर इतना प्यारा लग रहा है। हमें मारेगा, मैं तो इसका फ्लावर अपने बालों में लगाऊंगी हमारे नाटक की तरह। ओ मैडम जी, के कर लाग रही हो थम लोग, अवनी अवनी का स्टाइल याद आ गया। ये देखो ड्रॉपलेट्स गिरते हुए दिखे ना, वाओ पूरा उसकी बूंदे। और इसके फ्लावर तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ, और यहाँ पर तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पर चूल्हा चूल्हा सच में चूल्हा जलाओ, गरम सब्जी खाओ, गरम गरम सरसों का साग और मक्के की रोटी। ये देखो कोई आ जाए तो हम उससे परमिशन भी ले लें कि भाई हम तोड़ लें, कोई कुछ नहीं कहेगा। कितना बड़ा खेत है, कितना कुछ है, कितना सारा है उनके पास। अगर हमने थोड़ा निकाल भी लिया तो क्या है, उसे कोई नहीं दिख रहा। ये देखो दो महिलाएं खेतों में से पत्ते चुरा दी हुई। लेकिन बहुत ही अच्छा हो रहे हैं ना ये पत्ते, एकदम फ्रेश। कविता मैम मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, खुद से तोड़ लो। तोड़ तो मैं लूँ या तो हम गाड़ी लेके आए यहाँ पे, हाँ तो ले आते हैं, डाल लें तोड़ के। और क्या, गाड़ी ले आते हैं, अंदर तो नहीं आएगी, वहाँ तक आ जाएगी ना मेन रोड तक आ जाएगी गाड़ी। चलो गाड़ी लेके आते हैं। अब अपनी गाड़ी भी ले आए हैं और अब हम यहाँ से सारी सरसों भर के ले जाएंगे। जो गाड़ी में जितनी सरसों आएगी हम सारी, मैम यहाँ पे वायर है, वायर है नहीं, कुछ ऐसे कर, हाँ हाँ देख के। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, देखो व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ से बैक हो जाएगी, उतरो। हाँ खुल तो गया, मैं हाँ हाँ बैक करते हो जाएगा, बस मैं निकल गई जरा सी जगह में। आउच, ये कुछ होगा शायद, बस हाँ कोई नहीं। चलो अब हम अपने सरसों तोड़ना शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा आगे तक का व्यू बना के लाती हूँ। बस मन कर रहा है कि यहीं बैठ के धूप सेकते रहें। ये बड़े बड़े जो ग्रास की तरह लगे हैं, ये देखें क्या है, गन्ने हैं? नहीं गन्ने तो नहीं लग रहे, गन्ने नहीं है ये, नहीं ये जो खड़ा हुआ था ना बड़ा बड़ा, हाँ ना गन्ने तो नहीं लग रहे। कहाँ है हल्दी, ये क्या है? अच्छा कितने अच्छे पत्ते हैं ये, तो तोड़ो इनको भाई, आज हम सारा खेत लूट ले जाएंगे। मेरा फ्लावर
ये जहां तक नजर जा रही है खेत ही खेत, ये हमारे दादाजी के खेत हैं। ब्यूटीफुल। इस साइड पे लगाना चाहिए ना फ्लावर, मैं तोड़ती हूँ। अच्छा एक काना भी तो है ना, फसी घोड़ी नहीं गोरी। चने के खेत में, ये चने के तो नहीं है, सरसों के खेत में। सरसों के खेत से रिलेटेड कोई गाना अगर किसी को याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सरसों के खेत देखकर तो मुझे शाहरुख खान का गाना याद आ रहा है, हाँ DDLJ वाला, तुझे देखा तो ये जा। दो टीचर्स आज किसान बनी है, देखो ये देखो इन पालक मेरे पास है। कभी तो मैं ऐसे करूँ मैं फोटो क्लिक बनाऊंगी। ये देखो देसी सरसों, इसका साग जो खाएगा ना बस खुश हो जाएगा। और आज हम निकले हैं अपने सरसों के साग, अरे पानी भी आ रहा है, हाँ सरसों के साग के मिशन में। आज सरसों का साग बनेगा, ये जिसको खाना है वो हमारे घर आ सकता है, ठीक है ना कविता मैम? मोस्ट वेलकम फॉर द डिनर, सरसों का साग, मक्की की रोटी। हाँ और कविता मैम अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत अच्छा डिनर बनेगा हमारा, चोरी करते पकड़े जाएंगे। तो ये होता है ट्यूबवेल। हाँ बच्चों देखो मटर, देखो मटर की फलियाँ, देखो अभी सब ये इसके अंदर दाने एकदम भर जाएंगे, पक जाएंगे। देखो मैं दिखाती हूँ एकदम क्लोज, कितना सुंदर है, पूरा ये मटर का ही खेत है। हम तो तोड़ तोड़ के खाते थे। देखो हम ये मटर तोड़ते हैं, एक ही बस तोड़ते हैं पहले, उसको खाएंगे। हाँ ये देखो ये मटर इतनी मीठी, मतलब जो हमें मिलती है मार्केट में सूखी बेकार। ये देखो तोड़ा और खाया, इतने बच्चे मिले इतने प्यारे प्यारे। क्या नाम है बच्चे आपका? देखो मैंने कहा ना वो गैराज वाले अंकल का नाम है, पता है मेरा। आपका विमलेश और आपका? रमन जी कुमार। अरे वाह, और ये छुटकू का? अभिषेक। अभिषेक सबसे छोटा वाला अभिषेक, अभिषेक बच्चन। और ये कुत्ते का भी कुछ नाम है, क्या है? शिवांगी। शिवांगी, अरे अच्छा फीमेल होगी ना। आई शिवांगी हेलो, मैं बागो गार्डन आ जाएगी। नहीं नहीं पूछ ला रही है ना बेटा, एक बात बताओ कि अगर हमको ये प्याज के पत्ते तोड़ने हो तो हम तोड़ लें कि वो भैया मारेंगे हमें? ये तो नहीं पता, वो तो उन्हीं से पूछना, अभी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। कहाँ गए हैं? गैराज, और उनका गैराज है तो गैराज में तो बैठे था कोई। तो अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह, वहाँ पे हम आपको गोभी दिखाएंगे। कॉलीफ्लावर, ठीक है? तो ये देखो सरसों देख ली, अब आपको गोभी दिखाते हैं। अच्छी मिली ना उसने हमें, कितने अच्छे से इज्जत दी। ब्यूटीफुल यार, गुल भैया पिकनिक ले आ सकते हैं यहाँ पे है ना, खाना वाना खा सकते हैं। मालिक भैया कुत्ते इधर नहीं काटेंगे, डरना मत। चल कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ लेके आ जाते हैं। हाँ हम कुछ ले आते हैं। सी दे आर केयर टेकर इस जगह, हम लोग यहीं से बात कर रहे थे बेटा। अच्छा कितना सुंदर है देखो व्यू, कितना सुंदर है देखो यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स। गुड, और ये दूध दूध का क्या करते हो, जाते लेने के लिए? नहीं जी पहुंचाना पड़ेगा भैया। अरे जंबो, कुछ नहीं चल रंबो, चल कुछ सांस सांस रुकी हुई थी। फ्लावर्स भी है कितने सुंदर सुंदर, ये आलू है, ये आलू है। अच्छा पर बच्चे ने मुझे कहा था कि पेड़ पे लगता है तो पेड़ पे नहीं होता, जमीन के अंदर होता है, तो वो रूट नहीं है, इट्स नॉट रूट, इट्स पोटैटो इज अ स्टेम। और ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। ओके तो जब आप इसको निकालते हो तो इसकी रूट्स के पास
ऐसे ही आपको ये पी प्लांट दिखाई दे रहे हैं ना, ये पी की क्रॉप लगी, ये आपको मटर की पी की प्लांट पाइसम सचाइवम है ना। इसमें जो इसका रूट होता है उसमें रूट नड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने से होते हैं इसके रूट में। उस रूट नड्यूल में जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, विच इज़ अ वेरी बायो गुड बायो फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। भैया होता है ना इसमें गांठ जैसी होती है ना ये मैम, पंप है आपका जी। ये भैया क्या है? गेहूं है जी। गेहूं देखो, गेहूं बीट ट्रिटिकम एसटीबीएम। गेहूं इज बोटानिकल नेम इज ट्रिटिकम एसटीबीएम। अब ये कब तक हो जाता है भैया, ग्रो कब तक कर जाता है? 4-5 महीने। हां वही, मतलब 4-5 महीने में हो जाएगा। ये देखो गोभी, गोभी है, मेथी, ये मेथी हो रही है, ये गोभी है, देखो ये है आपकी कॉलीफ्लावर, अभी आई नहीं, शुरू नहीं हुई है ना। ये लाल वाला वो है साग, सैलेड है जी। अच्छा सैलेड, वाओ। तो भैया आप लोग इसकी मार्केटिंग भी करते हो, बाजार में भी जाता है ये? नहीं, तो फिर क्या करते हैं इसका? सिर्फ घर घर, उन्हीं के घर के लिए। ये देखो अभी कोई इसमें, अरे तो ब्रोकली लग रही है जैसे देख के, ब्रोकली है ना, अभी बनी नहीं है। अभी बिल्कुल बेबी है, अभी तो उगेगी थोड़ा सा। इससे बड़ा है नीचे। ये क्या है? ये मेथी गरम, ये जी वो गाय का चारा, गाय का। अच्छा, चरी बोलते हैं ना जी, बरसीम, बरसीम, हाँ यस। ये हमने सब ये उगाई हुई है भैया, मूली, मूली है ये, लाल मूली। हाय भैया, एक लाल मूली दे दो, दो दे दो हम दोनों के लिए, एक तो ये दिख रही है। तो सी पत्ते सही देना भैया, इसके पत्ते भी बड़े अच्छे लगते हैं। अरे वाह, लाल वाली मूली हमने तो कभी देखी नहीं। हाँ सच में बढ़िया, लाल गोभी भी होता है, मूली भी होता है। भैया आप गोभी कब उगेगी, हम आएंगे लेने? गोभी में तो जी अभी बहुत है, लाल वाली। एक और दो ना, हम दो दो बांटेंगे। हाँ फिर हम लड़ाई करेंगे वहाँ कि मुझे दो चाहिए, दोनों ही दो दो लेना चाहेंगे। थैंक यू भैया। ये देखो ये होता है फ्रेश सब्जी, फ्रूट्स के है ना ये पेड़, मेरे से अमरूद वगैरह के होंगे इधर। तो भैया आप केवल आप ही करते हो क्या, और भी लोग हैं? ब्यूटीफुल। ये देखो पीछे से डालते हैं, फिर यहाँ से साग निकलता है। तो इस प्रकार हमारा 31st जो साल का आखिरी दिन है, हमने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट